इंडिया में एक न्यू मेकअप ब्रांड लॉन्च हुआ है, लिमेल कॉस्मेटिक्स, और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा है इस ब्रांड से। तो टोटल मेरे पास चार प्रोडक्ट्स है, सीरम टिंटेड फाउंडेशन, बीबी ब्लश, ऑल इन वन लिप ऑयल और लिप केयर ऑयल। और क्योंकि मेरे पास दो लिप ऑयल्स है, इसलिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ इन तीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। फोर्थ प्रोडक्ट है ये लिप केयर ऑयल, और इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करूंगी, और प्लस इन दोनों लिप ऑयल्स को कंपेयर भी करेंगे, और वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये स्मार्ट स्किन सीरम टिंटेड फाउंडेशन। ये ट्यूब पैकेजिंग में आता है और इसमें पंप भी है। मेरे पास जो शेड है वो है 405 लाटे, और ये शेड मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छे से मैच किया। जस्ट फॉर रेफरेंस, मेबलिन फिट मी में मेरा शेड 220 है, नेचुरल बेज। ये फाउंडेशन का थिक कंसिस्टेंसी है, और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं कभी भी अपना फाउंडेशन हाथ से नहीं ब्लेंड करती हूँ, पर ये फाउंडेशन हाथ से बहुत ईजली और अच्छे से ब्लेंड हो गया था। इसका डोई फिनिश है, मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है, और आप इसे बिल्ड भी कर सकते हैं। ये बहुत हल्का सा ऑक्सीडाइज हुआ था, और मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा। मेरे स्किन पे ये बहुत ही नेचुरल और हेल्दी सा फिनिश दे रहा था। नायका और मिंत्रा पे ये टिंटेड फाउंडेशन के सिर्फ चार शेड्स अवेलेबल है, आप अमेजोन चेक कर सकते हैं, अमेजोन पे 8 या फिर 9 शेड्स है। ये 35 ml ऑफ प्रोडक्ट आता है 650 रुपीज़ का, और लमेल के बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अफोर्डेबल है। अभी तक जितने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए इंडिया में, सारे प्रोडक्ट्स अंडर ₹700 है। नेक्स्ट मैं अपना रेगुलर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये बीबी ब्लश, और इसमें दो शेड्स आते हैं। मेरे पास जो शेड है वो है 402 पिंक ब्लॉसम। ये क्रीम ब्लश डुई फिनिश देते हैं और बहुत पिगमेंटेड भी हैं। कुछ क्रीम ब्लशेस के साथ में बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, नहीं तो वो ड्राई पैच छोड़ देते हैं स्किन पे, पर ये ब्लश बहुत ही ईजली और आराम से ब्लेंड हो गया था। इसमें थोड़ा सा फ्रेगनेंस है, बट बहुत लाइट वेट है ये स्किन पे, और 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आता है 450 रुपीज़ का। ये ब्लश का पैकेजिंग मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, और कैमरे पे मेरा ब्लश उतना ज़्यादा शो नहीं कर रहा, पर इन रियल सही लग रहा था। और क्रीम ब्लशेस बहुत ही नेचुरल फिनिश देते हैं, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लश का फॉर्मूला, टेक्सचर, फिनिश सब बहुत अच्छा है, बट ये सिर्फ दो ही शेड्स में आता है। और मुझे ये ब्लश ठीक ठीक लगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में और भी अफोर्डेबल ब्लशेज हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारा थर्ड और लास्ट प्रोडक्ट है ये ऑल इन वन टिंटेड लिप प्लम्पिंग ऑयल। इस प्रोडक्ट में फ्रेगनेंस है, और ये टिंटेड लिप प्लम्पिंग ऑयल है, पर लिप्स पे अप्लाई करने के बाद ऐसा कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा था, और मुझे मेरे लिप्स ऐसे लग भी नहीं रहे थे कि प्लम्प हो गए, पर ये लिप्स पे बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का टिंट छोड़ रहा था। और सबसे अच्छी बात कि ये टिंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, खाने पीने से ऑयल तो रिमूव हो जाता है, बट ये टिंट काफ़ी टाइम तक स्टे करता है लिप्स पे। इसका थिक टेक्सचर है, और ये लिप ऑयल स्टिकी नहीं है। 3 ml प्रोडक्ट मिलता है 395 रुपीज़ का, और ये एवरीडे यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप मेकअप नहीं भी करते तो आप आराम से अपना ऑफिस, कॉलेज, कहीं पर भी इसे अप्लाई करके जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप ब्लश को स्किप कर सकते हो, और बाकी जो दो प्रोडक्ट्स है, फाउंडेशन और ये लिप ऑयल, आप इन दोनों में से जो प्रोडक्ट चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, और लिप ऑयल तो मैं ऑलमोस्ट डेली यूज़ कर रही हूँ, और लमेल के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे। बस इस ब्रांड का एक प्रॉब्लम है, इनमें बहुत लिमिटेड शेड्स हैं। बाकी शेड्स के अलावा ये ब्रांड बहुत अफोर्डेबल है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट्स का। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।